नमस्ते दोस्तों, गुड मॉर्निंग, वेलकम। मैं बबलू सैनी आप सभी का हमारे रीजनिंग क्लासेज में हार्दिक स्वागत करता हूँ। दोस्तों, इस समय हम रीजनिंग पढ़ रहे हैं। हमने बैच प्रारंभ कर दिया था दोस्तों, जिसमें हमने कोडिंग डिकोडिंग से हमारा पॉइंट नंबर 1 से इसकी शुरुआत की थी। तो दोस्तों, क्लास की शुरुआत करने से पहले हम आपके मोटिवेशन के लिए एक शायरी लेकर के आए हैं। ठीक प्रकार से समझना दोस्तों और अपने जीवन में उसे जरूर उतारना। तो देखिए दोस्तों, मैं मोटिवेशन शायरी में क्या दे रखा है कि अगर तुम जिंदगी में सफल होना चाहते हो तो बाहर निकलो। अगर तुम जिंदगी में सफल होना चाहते हो तो बाहर निकलो, धक्के खाओ, जो कुछ भी करना चाहते हो करो, लेकिन घर पर खाली मत बैठो। जो कुछ भी करना चाहते करो, लेकिन घर पर खाली मत बैठो, क्योंकि ठहरा हुआ पानी और रुका हुआ इंसान दोनों सड़ जाते हैं। इसलिए दोस्तों, मेरे कहने का तात्पर्य यही है कि आप जिंदगी में जो कुछ भी करना चाहते हो, आपके जैसे मन इच्छा करती है कि मैं IAS बनना चाहता हूँ, मेरा सपना कुछ और है, मैं कुछ और करना चाहता हूँ, मैं सिंगर बनना चाहता हूँ, मैं यूट्यूबर बनना चाहता हूँ, आप जिंदगी में जो कुछ भी बनना चाहते हो, जो कुछ भी आप करना चाहते हो, तो दोस्तों आप करो, लेकिन घर पर खाली हाथ मत बैठो। क्योंकि कहा हुआ था ना कि बिना कुछ किए हुए खाली हाथ बैठे हो, कुछ भी हाथ नहीं मिलता। बिना मेहनत किए हुए हमें जिंदगी में कुछ भी नहीं मिलेगा। इसलिए दोस्तों, जो कुछ भी आप प्राप्त करना चाहते हो उसे प्राप्त करने की कोशिश करो, लेकिन खाली हाथ बिल्कुल मत बैठो। इसलिए कहा है कि अगर तुम जिंदगी में सफल होना चाहते हो, अपने मुकाम तक पहुंचना चाहते हो, कुछ प्राप्त करना चाहते हो, तो घर से बाहर निकलो, धक्के खाओ, लेकिन घर पर खाली हाथ मत बैठो। इसलिए कहा गया है क्योंकि ठहरा हुआ पानी और रुका हुआ इंसान दोनों सड़ जाते हैं। इसलिए जो कुछ भी जिंदगी में प्राप्त करना चाहते हो, लगातार मेहनत करते रहो और अपने मुकाम तक आगे बढ़ते रहो। इसलिए मेरी यही आपसे गुहाइश है दोस्तों कि आप जो कुछ भी करना चाहते हो जिंदगी में करते रहो और अपने मुकाम तक आगे बढ़ते रहो। तो चलते हैं दोस्तों हम हमारे सेशन पर। हमने दोस्तों पॉइंट नंबर फर्स्ट में सबसे पहले पढ़ा था अल्फाबेट। अल्फाबेट से हमने शुरुआत की थी पॉइंट नंबर 1 से, जिसमें हमने अल्फाबेट पढ़ा था, अर्थात अंग्रेजी वर्णमाला, जिसकी हमने रीडिंग कर ली थी दोस्तों, जो टाइप नंबर 1 था। अब टाइप नंबर 2 में दोस्तों हमने कल पढ़ा था पेयर, अर्थात युग्म बनाना, कि युग्म में जोड़े किस प्रकार से बनाए जाते हैं। टाइप नंबर 3 पढ़ा था हमने, जिसमें पढ़ा था दोस्तों हमने मैनुअल वर्ड, अर्थपूर्ण शब्द, कि जैसे हम एक मीनिंग दे दी, उसकी हम कितनी और मीनिंग बना सकते हैं। इसके लिए दोस्तों आपकी वर्क वोकैब अच्छी होनी चाहिए, आपको अध से ज़्यादा मीनिंग याद होनी चाहिए। लास्ट में पढ़ा था दोस्तों हमने डिक्शनरी सीक्वेंस, अर्थात शब्दकोश का क्रम, कि हमें कुछ अल्फाबेट दे देगा जो हमको अव्यवस्थित क्रम में देगा, उनको हमको क्रम से जमाना है। हमने इसके लिए आपके क्वेश्चन करवाया था, जिसमें हमने आपको अच्छी तरीके से बताई थी कि किस प्रकार से आएगा इसके क्वेश्चन, चाहे किसी प्रकार से दे दे, आप उसको अच्छी प्रकार से सोल्व करेंगे। आज आपके पढ़ने की इच्छा क्या है दोस्तों बताओ? आज पढ़ेंगे दोस्तों हम क्या पढ़ेंगे, आपका मनपसंद पॉइंट लेकर के आया है पॉइंट नंबर 2, जिसका नाम है दोस्तों कोड डिकोड, अर्थात कोडिंग डिकोडिंग, जिसे कहते हैं दोस्तों कोडिंग डिकोडिंग का अर्थ होता है कुटलेखन। क्या अर्थ होता है? कुटलेखन इसका अर्थ होता है। तो देखिए दोस्तों, कोडिंग डिकोडिंग जिसका अर्थ होता है कुटलेखन, ऐसे दोस्तों कोडिंग डिकोडिंग अर्थात कोड डिकोड के जो टाइप्स होते हैं ना दोस्तों, इसके हम आपको 10 टाइप्स कराएंगे। कितने टाइप्स कराएंगे? 10 टाइप्स कराएंगे, जिसमें पूरे कोड डिकोड आ जाएंगे, कोडिंग डिकोडिंग आ जाएगी, कुटलेखन। ऐसे तो दोस्तों बनाने वाला इसके 500 भी टाइप्स बना सकता है, 500 भी टाइप्स बना सकता है। परीक्षा में एग्जामिनर के किसी भी प्रकार से क्वेश्चन दे सकता है, उसके जैसी मन इच्छा लगती है, मन में आती है, वो उसी प्रकार से क्वेश्चन बना देता है। कोई जरूरी नहीं है दोस्तों कि हमने जैसे सोच रखा है उसी प्रकार से क्वेश्चन दे, उसके जैसे मन में आती है
जैसे उसके मन में इच्छा जसती है उसी प्रकार से क्वेश्चन को बना देता है। तो दोस्तों हम आपको कराएंगे 10 टाइप्स, 10 प्रकार के कोड डिकोड, 10 प्रकार के क्वेश्चन कराएंगे कि इसके क्वेश्चन किस प्रकार से बनते हैं, किस प्रकार से आते हैं। यही 10 क्वेश्चन दोस्तों आपके 500 टाइप्स को कवर में कर लेंगे कि आप इनको अच्छे प्रकार से सीखे ना, तो आपके 500 प्रकार के जो बनते हैं कोड डिकोड इनको कवर कर लेंगे 10 ही। तो देखिए चलते हैं दोस्तों सबसे पहले क्वेश्चन नंबर एक पर। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर एक नहीं दोस्तों, टाइप नंबर 1 पर। साथ में साथ नोट करते जाना दोस्तों और एक बार चैनल को थम्सअप जरूर मार दो, लाइक शेयर कमेंट्स करो ये दोस्तों। तो देखिए सबसे पहले दोस्तों टाइप नंबर 1, टाइप नंबर 1 में हमें जैसे क्वेश्चन दे रखा है, हमें क्वेश्चन दे दिया दोस्तों, एक दे रखा है हमको मोक, MOCK। अब मोक का कुट दे रखा है हमें NPDL, मोक का कुट दे रखा है NPDL। हम आपको थ्योरी समझा रहे हैं दोस्तों, आज हम इसकी आपको थ्योरी कंप्लीट करा देंगे, अच्छे प्रकार से समझा देंगे, और कल दोस्तों अगली क्लास में हम आपको क्वेश्चन देंगे, देखते हैं दोस्तों कितने क्वेश्चन बन सकते हैं, उतने क्वेश्चन आपको आपको लिखाएंगे और वो भी सब आपके होमवर्क के लिए होंगे और जो आपको करना है। कल की क्लास में जितने भी क्वेश्चन बनेंगे हम आपको क्वेश्चन कराएंगे। तो देखिए दोस्तों हमें दे रखा है क्वेश्चन दे रखा है जिसमें मोक दे रखा है, मोक का कोड दे रखा है NPDL। यदि मोक का कोड NPDL होता है तो टेस्ट का कोड क्या होता है, टेस्ट का कोड क्या होता है ये हमें ज्ञात करना है। तो देखिए दोस्तों टाइप नंबर 1 में क्वेश्चन किस प्रकार से बन सकता है। तो देखिए दोस्तों सबसे पहले दे रखा है हमके मोक का कोड दे रखा है NPDL, तो हमें क्या करना है दोस्तों, हमें दे दिया मोक, मोक का कोड NPDL दे रखा है। लेकिन दोस्तों कभी भी एक बात हमेशा याद रखना, कभी भी कंपेरिजन करोगे ना तो कंपेरिजन हमेशा सामने से नहीं करेंगे, जैसे अब मोक का कोड हमें ज्ञात करना है कि NPDL किस प्रकार से बना है, तो कभी भी इसको सामने से नहीं करेंगे, कंपैरिजन कभी भी सामने से नहीं करेंगे बल्कि नीचे से करेंगे। जैसे MOCK का कोड दे रखा है NPDL दे दिया, कंपैरिजन सामने से नहीं करेंगे नीचे से करेंगे, MOCK का कोड NPDL दे रखा है। साथ में साथ नोट्स बनाते जाना दोस्तों। तो देखिए दोस्तों हमें याद करना है कि MOCK का कोड NPDL किस प्रकार से बना है। तो देखिए दोस्तों किस प्रकार से हुआ है, कंपैरिजन कभी भी सामने से नहीं करेंगे, ये गलत माना जाता है, याद रखना दोस्तों हमेशा। तो देखिए दोस्तों यहां पर दे रखा है एम, एम में प्लस के काउंटिंग किया एन आ गया, उसी प्रकार ओ में प्लस के काउंटिंग किया पी आ गया, सी में प्लस के काउंटिंग किया डी आ गया, उसी प्रकार के में एल काउंट, के में प्लस के काउंटिंग किया एल आ गया। दोस्तों इन समय में प्लस हो रहा है तो इसी प्रकार हमको टी ई एच टी का कोड ज्ञात करना है, तो टी में प्लस के करेंगे तो टी के बाद में यू, ई में प्लस के करेंगे एफ, एस में प्लस के काउंटिंग करेंगे टी, और टी में प्लस के करेंगे तो यू। तो क्या बनता है दोस्तों इसका कोड, इसका कोड बनता है यू एफ टी यू, इसका कोड टी ई एच टी का। तो ये हमारा राइट आंसर हो गया। तो टाइप नंबर 1 में एक क्वेश्चन तो इस प्रकार से दे सकता है एग्जामिनर, एक क्वेश्चन तो इस प्रकार से बनता है, और इसे दोस्तों आगे इसको हम इस प्रकार से सोल्व कर सकते हैं, किसके सूत्र से, EJOTY, ये सूत्र हमने आपको लिखा रखा है, EJOTY के सूत्र से इसको हम कर सकते हैं, 5, 10, 15, 20, 25, 5, 10, 15, 20, 25 EJOTY के सूत्र से भी हम इसको कर सकते हैं दोस्तों। बीज रोटी के सूत्र से किस प्रकार करेंगे, तो देखिए दोस्तों जैसे हमको यहां पर दे रखा था MOCK का कोड, MOCK मोक का कोड होता है NPDL, NPD और L। तो देखिए दोस्तों M आ रहा है 15 पर, O आ रहा है कितने पर, नहीं M आता है 13 पर, O 15 पर, C 3 पर, और K आता है दोस्तों 11 पर। तो देखिए दोस्तों यहां पर 13 पर है, ये 14 पर है, ये 16 पर, और ये डी कितने पर आता है दोस्तों 4 पर, एल आता है 12 पर। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर 13 पर है, 13 में प्लस के काउंटिंग के 14, उसी प्रकार के में प्लस के काउंटिंग के 11, में प्लस के काउंटिंग के 12, 3 में प्लस के काउंटिंग के 4, 15 में प्लस के काउंटिंग किए तो 16।
अब ई जोड़ी का सूत्र इस प्रकार से लगता है, देखिए दोस्तों सबसे पहले आता है 13 पर, 13 दे रखा है, अब 13 देखेंगे दोस्तों ई जे ओ ओ, तो जे से पहले क्या आएगा, जे के बाद में आता है के एल एम, के एल एम, एम आता है 13 पर। अब देखें दोस्तों एम का विपरीत याद करेंगे, एम आता है 13 पर आ गया दोस्तों, आगे देखिए एम आता है 13 पर, अंकों का योग कुल कितना होता था 27 होता था, 27 में से 13 घटाएंगे, कुल युग्म में युग्म का कुल योग कितना होता था, हमने आपको बताए थे कि लेफ्ट की संख्या और राइट की संख्या, अर्थात लेफ्ट से इस तरफ से एबीसीडी को देते थे, 1 2 3 4 5 नाम दिया था हमने काउंटिंग 26 तक, और राइट की तरफ से दिया था हमने 1 2 3 4, तो उसी प्रकार देखे, अब ठीक प्रकार से देखें दोस्तों, जैसे ए, ए को दे दिया हमने 1, ए का विपरीत होता है जेड, तो इसको दे दिया हमने 26, तो 26 इस प्रकार से हो गया था, और यहाँ से हमने एक गिनना शुरू किया था, यहाँ से हमने 26 तक काउंट की थी, तो 26 में एक जोड़ेंगे तो कितना हो गया 27, तो इसी प्रकार कुल योग कितना हो गया था 27 हो गया था, तो 27 में से हम क्या करेंगे, हमें कितना दे रखा है m बराबर 13 दे रखा है, 27 में से 13 घटाएंगे तो कितने बचते हैं दोस्तों, 27 में से 13 घटाएंगे तो 27 14 बचते हैं दोस्तों, और 14 पे क्या आता है एन आता है, इसलिए 13 का कूट क्या हो गया, और 13 प्लस के एक जोड़ेंगे, 13 के विपरीत क्या हो गया 14 हो गया, तो 13 का 14 आ गया, एन के बाद में एम आ गया, तो 13 के बाद में 14 आ गया, इसी प्रकार से होता है, लेकिन आपके लिए ये विधि कठिन होगी, तो आप इस प्रकार से करना, जैसे इसमें प्लस के एक काउंटिंग कर दिया, इसमें प्लस के एक, इसमें प्लस के एक, इसमें प्लस के एक, यहाँ तक आपकी समझ में आ गई, तो साथ में साथ नोट्स बनाते जाना। अब चलते हैं दोस्तों आगे, एक तो दोस्तों इस प्रकार से दे सकता है, ई जोड़ी का सूत्र हमने आपको बता दिया, अब देखिए दोस्तों टाइप नंबर 1, पहले देखेंगे टाइप, ये टाइप नंबर 1 ही चल रहा है दोस्तों, अब देखिए दोस्तों टाइप नंबर 1 में हमें कौन कौन से पैटर्न होते हैं, इसके टाइप नंबर 1 के अंदर पैटर्न आते हैं, तो पैटर्न किस प्रकार से हो सकते हैं, देखिए दोस्तों टाइप नंबर 1 के पैटर्न क्वेश्चन किस प्रकार से बन सकते हैं, तो देखिए दोस्तों टाइप नंबर वन में पैटर्न में सबसे पहले नंबर पे आता है दोस्तों कि प्लस वन या माइनस वन, प्लस वन माइनस वन, प्लस माइनस वन, प्लस या माइनस वन, डॉट 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 डॉट, टाइप नंबर 1 ये हो गया, टाइप नंबर 2 हुआ दोस्तों, पॉइंट नंबर 1 हो गया, पॉइंट नंबर 2 जिसमें दे रखा है प्लस या माइनस 2, प्लस या माइनस 2, प्लस या माइनस 2, प्लस या माइनस 2, अब 3 नंबर पे दे रखा है दोस्तों प्लस या माइनस 3, प्लस या माइनस 3, प्लस या माइनस 3, प्लस या माइनस 3, आगे दे रखा है दोस्तों 4 नंबर पर प्लस या माइनस 1, प्लस या माइनस 2, प्लस या माइनस 3, प्लस या माइनस 4, ये हो गए 4 दोस्तों, 4 हो गए, ये किस प्रकार से है कि ये दोस्तों जैसे हमने आपको क्वेश्चन समझाया था ना, मोक का क्वेश्चन जिसमें क्या क्या हो रहा था, प्लस एक जुड़ रहा था, प्लस एक प्लस प्लस एक जुड़ रहा है ना, उसी प्रकार कभी किसी क्वेश्चन में प्लस एक या माइनस एक, माइनस एक माइनस एक भी हो सकता है, प्लस एक भी जुड़ सकता है, माइनस एक भी घट सकता है, प्लस दो या माइनस दो भी जुड़ सकते हैं, है ना, प्लस के 3 भी जुड़ सकते हैं, प्लस तीन के बीच में इनका अंतर आते हैं ना, प्लस 3 जुड़ रहा है इसमें, प्लस तीन जुड़ रहा है, प्लस के 1 या फिर माइनस के 1 भी हो सकते हैं, प्लस के 2 माइनस के 2, प्लस 3 माइनस 3, प्लस 4 माइनस 4, प्लस 5 माइनस 5, इस प्रकार से होते हैं। कभी कभी दोस्तों किसी अल्फाबेट्स के अंदर प्लस 11 या माइनस 11 का भी अंतर आ जाता है, प्लस 13 या माइनस 13 का भी अंतर आ जाता है, तो देखिए दोस्तों आप पर देखते हैं दोस्तों पॉइंट नंबर 5 में किस प्रकार से क्वेश्चन बनता है, पॉइंट नंबर 5 में होता है दोस्तों रिवर्स ऑर्डर,
रिवर्स ऑर्डर, अर्थात पीछे की तरफ से। पहले तो दोस्तों पॉइंट नंबर चार तक थे, पॉइंट नंबर चार तक थे, अब पॉइंट नंबर पांच है, टाइप टाइप नंबर वन का पॉइंट नंबर पांच। तो पॉइंट नंबर पांच में किस प्रकार से दे सकते हैं क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आना चाहिए, जैसे हमें क्वेश्चन दे रखा है दोस्तों, हम वही क्वेश्चन देंगे दोस्तों। ये क्वेश्चन किसका होता है, इसका क्वेश्चन दोस्तों मॉक का ही है, एम ओ सी के मॉक का दे दिया दोस्तों। और मॉक का आगे देखिए दोस्तों कि हमने आपको पॉइंट नंबर चार तक, टाइप नंबर वन के पॉइंट नंबर चार तक बताए थे, जो दोस्तों जिनमें प्लस एक माइनस एक ये जुड़ सकते हैं ना, जो हमने आपको क्वेश्चन नंबर एक कराया था, क्वेश्चन नंबर एक बताया था ना, ये उसके लिए है, ये चार पॉइंट उसके लिए है। अब हमें आपको जो मॉक का क्वेश्चन बताया था वो पॉइंट नंबर पाँच के लिए है, जो हमने आपको पहले समझा दिया था। अब दोबारा समझाते हैं कि रिवर्स ऑर्डर यानी पीछे से सोल्व करना। तो देखिए दोस्तों किस प्रकार से होते हैं पॉइंट नंबर पाँच में, जैसे मॉक का कोड हमें दिया था LDPN, ये हमें मॉक का कोड दे रखा है। तो देखिए दोस्तों उसी प्रकार यदि मॉक का कोड LDPN है तो TEST का कोड क्या होगा, ये हमने आपको पहले कराया था ना दोस्तों, ये पहले के लिए नहीं है बल्कि ये पॉइंट नंबर पाँच के लिए है। और जो हमने आपको शुरू शुरू में जो क्वेश्चन कराया था वो चार पॉइंट के लिए है, पॉइंट नंबर एक, पॉइंट नंबर दो, पॉइंट नंबर तीन और पॉइंट नंबर चार के लिए है। अब ये पॉइंट नंबर पाँच के लिए, टाइप नंबर एक के पॉइंट नंबर पाँच है। तो मॉक का कोड यदि LDPN है तो टेस्ट का कोड क्या होगा, तो देखिए दोस्तों कंपेरिजन कहाँ से करेंगे, नीचे से करेंगे, सामने से नहीं करेंगे। यदि मॉक का कोड LDPN है तो देखिए दोस्तों किस प्रकार से हुआ है, अब रिवर्स ऑर्डर दे रखा है ना तो पीछे की ओर से सोल्व करेंगे। देखिए दोस्तों कम कहाँ से करेंगे, पीछे की ओर से सोल्व करेंगे। देखिए दोस्तों एम, एम में प्लस के एक जुड़ा एन आया, के में प्लस के एक जुड़ा के बाद में एल आता है, ओ ओ के बाद में पी आता है दोस्तों, इसमें प्लस के एक जुड़ेंगे, और सी के बाद में डी आता है तो इसमें प्लस के एक जुड़ दिया। ये इस प्रकार से है कंपेरिजन दोस्तों, पीछे की बगल से हो रहा है, देख लो एम के बाद में एन आ गया तो पीछे की बगल से सोल्व हो रहा है। उसी प्रकार देखिए दोस्तों टेस्ट का करेंगे, TEST, तो टेस्ट का किस प्रकार से होगा, देखो दोस्तों कंपेरिजन कहाँ से करेंगे, पीछे से करेंगे। तो देखिए दोस्तों टी, टी में प्लस के एक जोड़ेंगे, टी के बाद में आता है यू, इसी प्रकार टी, टी में प्लस के एक जोड़ेंगे, टी के बाद में आता है यू, एस, एस में प्लस के एक जोड़ेंगे, एस के बाद में आता है दोस्तों टी, और ई, ई में प्लस के एक जोड़ेंगे, ई के बाद में आता है एफ। तो टी यू एफ एन हमारा राइट आंसर हो गया। तो कंपेरिजन रिवर्स ऑर्डर में किस प्रकार सोल्व किया जाता है, पीछे से सोल्व किया जाता है। तो पॉइंट नंबर पाँच आपके समझ में आ गई दोस्तों, अब चलते हैं पॉइंट नंबर छः पर, साथ में साथ नोट्स बनाते जाना दोस्तों। पॉइंट नंबर चार तो दोस्तों पहले क्वेश्चन के लिए थे, हमने आपको क्वेश्चन जो पहले करा दिया था ना कि मॉक का, इसके लिए नहीं थे, इसके लिए तो रिवर्स ऑर्डर है। अब आगे देखिए दोस्तों, आगे चलते हैं पॉइंट नंबर छः पर, यानी टाइप नंबर वन के पॉइंट नंबर छः पर। अब पॉइंट नंबर छः में क्या दे रखा है दोस्तों, पॉइंट नंबर छः में रीअरेंजमेंट, आर ई ए डबल आर ए एन जी ई एम ई एन टी, री अरेंजमेंट यानी पुनर्व्यवस्था, पुनर्व्यवस्था। तो देखिए दोस्तों टाइप नंबर वन के पॉइंट नंबर छः में है रीअरेंजमेंट, रीअरेंजमेंट आई नहीं आ रही पुनर्व्यवस्था। तो देखिए दोस्तों इसका क्वेश्चन किस प्रकार से आते हैं, क्वेश्चन दे दिया जैसे हमें दोस्तों क्लॉक का क्वेश्चन दे दिया, सी एल ओ सी के, जैसे क्लॉक दे दिया और क्लॉक का कुट दे दिया सी के एल ओ सी, ये किसका दे दिया दोस्तों, क्लॉक का कुट दे दिया। यदि क्लॉक का कुट ये है दोस्तों तो ब्लैक का कुट क्या होगा, ब्लैक का कुट क्या होगा, तो देखिए दोस्तों सी एल ओ सी के क्लॉक का कुट क्या दे रखा है, सी के एल ओ सी। तो देखिए दोस्तों ये किस प्रकार से होगा, पहले तो हमें पॉइंट नंबर छः में दे रखा है,
कि रीअरेंजमेंट यानी पुनर्व्यवस्था। अब पुनर्व्यवस्था यानी इनको फिर से व्यवस्थित करना। तो देखे दोस्तों इसमें किस प्रकार से होता है कि सी एल ओ सी के दे रखा है, इसका कोड हमको सी के एल ओ सी। तो ठीक प्रकार से देखे दोस्तों, क्या इनमें कुछ आपको अंतर सा लग रहा है कि कुछ इनमें कुछ शब्दों को चेंज किया हो, कुछ अल्फाबेट्स को? हमें तो नहीं लग रहा दोस्तों कुछ अल्फाबेट्स को चेंज किया है। कि पुनर्व्यवस्था, इनको पुनर् यानी फिर से व्यवस्थित करना है। रीअरेंजमेंट, इसमें कोई शब्द चेंज नहीं होते हैं, कि इसमें कोई शब्द चेंज नहीं होते, बस अल्फाबेट्स को उल्टा सीधा कर देता है। इसमें शब्द यू के यू रहते हैं, जैसे क्लोक दे दिया तो इसमें जो शब्द दे रखे हैं अल्फाबेट के, इसमें यू के यू है, बस इनको पुनर्व्यवस्थित कर दिया। पुनर्व्यवस्था करना है, इनको उल्टे सीधे कर दिए। तो देखिए दोस्तों किस प्रकार से है। देखिए दोस्तों यहां पर दे रखा है सी, तो देखिए दोस्तों पहले तो इसमें हम क्या करेंगे दोस्तों, तो देखिए दोस्तों यहां पर सबसे पहले दे रखा है सी, एक युग्म दे रखा है सी का हो गया दोस्तों सी। उसी प्रकार यहां पर दो युग्म ये रहे सी और के, तो सी के ये हो गए, और यहां पर एल ओ है, एल ओ का एल ओ हो गया। ये इस प्रकार से हुआ है दोस्तों, इनको रीअरेंजमेंट किया है, पुनर्व्यवस्थित किया है। कोई दूसरे अल्फाबेट्स नहीं आए, जो अल्फाबेट दिए उनको उल्टे सीधे कर दिए, और इनको हमको पुनर्व्यवस्थित करना है यानी रीअरेंजमेंट करना है इनको। तो देखिए दोस्तों जे इस प्रकार से बोला है, तो इस प्रकार बी एल ए सी के, ये किस प्रकार होगा? तो देखिए दोस्तों सबसे पहले एक युग्म मिलेंगे, एक युग्म लिया हमने दोस्तों कौन सा बी, तो बी पीछे जाएगा दोस्तों, बी का बी आ गया। उसी प्रकार सी और के ले लिया, तो सी और के आगे आ गए। अब उसी प्रकार दो युग्म ये हो गए, दो युग्म ये रहा, ये दे रखा एल और ए, एल और ए आ गया, तो सी के एल ए बी, ये हमारा राइट आंसर हो गया। सी के एल ए भी हमारा राइट आंसर हो गया। तो ये युग्म किस प्रकार से बनते हैं, मतलब ये किस प्रकार से होते हैं सोल्व? इस प्रकार से होते हैं रीअरेंजमेंट के। तो आपके समझ में आ गए दोस्तों ये किस प्रकार से हुआ है। अब इसके हम आपके क्वेश्चन देते हैं, क्या क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए, इसको आपको रीअरेंजमेंट करना है, इसकी पुनर्व्यवस्थित करना है। तो देखिए दोस्तों जैसे इसको तो आपने उतार लिया होगा दोस्तों, क्वेश्चन में दिया है दोस्तों हमें कि TEACHER टीचर, नहीं दोस्तों टीचर नहीं, TEACHING टीचिंग। यदि टीचिंग का कुट CHEATING होता है, तो उसी प्रकार वॉचिंग वॉचिंग का कुट क्या होगा? ये आपके होमवर्क के लिए दोस्तों, आप जिस नोटबुक में नोट्स बना रहे हो उसमें इसको कर लेना। तब आगे चलते हैं दोस्तों अगले पॉइंट पर, पॉइंट नंबर 7 पर। पॉइंट नंबर 7 में, टाइप नंबर 1 के पॉइंट नंबर 7 में दे रखा है दोस्तों कि और क्वेश्चन किस प्रकार से आ सकते हैं। जैसे इसमें दिया है कि एक अक्षर के दो अक्षर, या अर्थात एक लेटर के, दोस्तों लेटर यानी अक्षर ही होता है ऐसे, तो अर्थात एक लेटर के दो अक्षर, या तो अक्षर के दो लेटर के दो, एक अक्षर के दो अक्षर और एक लेटर के या दो अक्षर हो सकते हैं। अर्थात कहने के तात्पर्य कि एक अक्षर के बदले में दो अक्षर हो सकते हैं। तो देखिए दोस्तों किस प्रकार से इसका क्वेश्चन किस प्रकार से आता है दोस्तों। देखिए दोस्तों क्वेश्चन क्वेश्चन में हमें दे रखा है
रीअरेंजमेंट हमने कर लिया दोस्तों, पुनर्व्यवस्था सातवें पर हमें दोस्तों देखिए दोस्तों किस प्रकार से होगा। जैसे दे दिया दोस्तों बैंक, बैंक दे दिया, बैंक का कूट क्या दे रखा है हमको, ए सी जेड बी एम ओ जे एल, ये हो गया दोस्तों इसका कूट। यदि बैंक का कूट ये होता है तो नाइस का कूट क्या होगा, एन आई सी ई, नाइस का कूट क्या होगा। तो देखिए दोस्तों हमें बैंक का कूट दे रखा है बी ए एन के, बैंक का कूट हमें क्या दे रखा है ए सी जेड बी एम ओ जे एल, ये हमें कूट दे रखा है। अरेंजमेंट हम हमेशा नीचे से करेंगे। तो देखिए दोस्तों पहले पॉइंट नंबर सात को ठीक प्रकार पढ़िए कि एक अक्षर के दो अक्षर हो सकते हैं, एक अक्षर के दो अक्षर हो सकते हैं। तो देखिए दोस्तों किस प्रकार से, तो देखिए दोस्तों यहां पर दे रखा है बी, अब बी दे रखे एक अक्षर के दो अक्षर किस प्रकार से होंगे, यहां पर चार है तो यहां पर कितने हो गए दोस्तों, कुल अक्षर आठ हो गए, कुल अक्षर कितने हो गए आठ हो गए। तो देखिए दोस्तों अर्थात इनके डबल हो गए ना कि एक अक्षर के दो अक्षर हो सकते हैं। तो देखिए दोस्तों किस प्रकार से, यहां पर दे रखा है बी, तो बी से पहले आता है दोस्तों ए, अब ए के बी के बाद में आता है सी, तो दो युग्म ये हो गए। उसी प्रकार देखिए दोस्तों ए, ए से पहले आता है जेड, ए के बाद में आता है बी, उसी प्रकार दोस्तों एन, एन से पहले आता है एम, एन के बाद में आता है ओ, के से पहले आता है जे और के बाद में आता है एल, ये हो गया। अर्थात एक अक्षर के दो अक्षर हो गए, ये एक अक्षर दिया इसके दो अक्षर हो गए, ये आपके समझ में आ गई। यदि ये इस प्रकार सोल्व हुआ है तो आगे देखिए दोस्तों नाइस को किस प्रकार से होगा। अब देखा हमें एन आई सी और ई, तो देखिए दोस्तों एन, एन से पहले क्या आता है दोस्तों, एन से पहले आता है एम और एन के बाद में आता है ओ, उसी प्रकार आई, आई से पहले क्या आता है दोस्तों एच, आई के बाद में जे, सी दे रखा है, सी से पहले आता है दोस्तों बी और सी के बाद में आता है डी, अब ई से पहले आता है डी और ई के बाद में आता है दोस्तों एफ, तो एम ओ एच जे बी डी डी एफ, ये हमारा राइट आंसर हो गया। पॉइंट नंबर आठ की थ्योरी इस प्रकार से सोल्व हुई है, अर्थात इस प्रकार से क्वेश्चन बन सकते हैं पॉइंट नंबर सात के, इस प्रकार से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो पॉइंट नंबर सात क्लियर दोस्तों आ गए आपके समझ में किस प्रकार से हुआ है। तो देखिए दोस्तों इसमें क्या हो रहा था, यहां पर तो माइनस के एक हो रहा था, यहां पर प्लस के एक हो रहा है, यहां पर माइनस के एक, यहां पर प्लस के एक, यहां पर माइनस के, यहां पर प्लस के एक, यहां पर माइनस के एक, यहां पर प्लस के एक, उसी प्रकार यहां पर माइनस के प्लस के एक, माइनस एक घटाया प्लस एक जोड़ा, माइनस के प्लस के एक, माइनस एक प्लस के एक हो रहे थे। ये आपके समझ में आ गए दोस्तों। और दोस्तों हमने आपको जो पॉइंट नंबर पांच बताया था दोस्तों, तो उसमें जोड़े बन रहे थे, मतलब दो दो के जोड़े बन रहे थे और एक एक का जोड़ा बन रहा था। जैसे ब्लैक दे रखा है जिसमें बी अकेला है और एल ए के दो जोड़े और सी के दो युग्म बन रहे थे। तो पॉइंट नंबर आपके साथ समझ में आ गए दोस्तों इसके क्वेश्चन किस प्रकार से बनते हैं। अब चलते हैं पॉइंट नंबर आठ पर, साथ में साथ नोट्स बनाते जाना दोस्तों। अब देखते हैं दोस्तों पॉइंट नंबर आठ, अब देखिए दोस्तों पॉइंट नंबर आठ में, पॉइंट नंबर आठ में हमें दे रखा है टाइप नंबर वन के पॉइंट नंबर आठ में, इसमें हमने आपको बताया दोस्तों दस टाइप्स कराएंगे, दस टाइप्स कराएंगे जिसमें पॉइंट नंबर वन के आठवां है, अर्थात इसको टाइप नंबर आप ये पैटर्न है, अर्थात टाइप नंबर वन के पैटर्न है और पैटर्न का आठवां भाग है। आठवें में आता है दोस्तों
अपोजिट लेटर। अपोजिट लेटर इसका अर्थ होता है दोस्तों विपरीत अक्षर। क्या होता है दोस्तों? विपरीत अक्षर। तो देखिए दोस्तों, ये पैटर्न नंबर कौन सा है दोस्तों? टाइप नंबर 1, यहां पर टाइप लिख दिया, यहां पर पैटर्न लिख दिया, ये पैटर्न नंबर 8 है। यानी टाइप नंबर 1 के पैटर्न नंबर 8 है, जिसमें दे रखा है अपोजिट लेटर अर्थात विपरीत अक्षर। तो देखिए दोस्तों इसके क्वेश्चन किस प्रकार से बनते हैं। जैसे हमें क्वेश्चन में दे दिया एम ओ सी के, यदि मौका कुट एन एल एक्स पी एम, तो नाइस का कुट क्या होगा? एन आई सी ई, नाइस का कुट क्या होगा? तो देखिए दोस्तों एक इस प्रकार जो है, सबसे पहले दे रखा है हमें एम ओ सी के, इसके क्वेश्चन इस प्रकार से बन सकते हैं। तो मोक दे रखा है, मोक का कुट दे रखा है हमें एन एल एक्स पी। तो देखिए दोस्तों क्या दिया हमें पॉइंट नंबर 8 में, पैटर्न नंबर 8 में अपोजिट लेटर अर्थात विपरीत अक्षर। विपरीत अक्षर, अब विपरीत दोस्तों ये किस प्रकार से होंगे विपरीत अक्षर, इसके लिए हम आपको बताएंगे। सबसे पहले हम इसे सोल्व करते हैं, उसके बाद से हम आपको लिखाएंगे। तो देखिए दोस्तों सबसे पहले तो विपरीत अक्षर देखिए दोस्तों, यहां पर दे रखा है एम, एम का विपरीत होता है दोस्तों एन, ओ का विपरीत होता है एल, सी का विपरीत एक्स और के का विपरीत पी। तो उसी प्रकार एन आई सी ई, एन का विपरीत होता है दोस्तों एम, आई का विपरीत आर और सी का विपरीत होता है दोस्तों क्या? सी का विपरीत एक्स और ई का विपरीत होता है दोस्तों वी। ये हमारा राइट आंसर हो गया पॉइंट नंबर पैटर्न नंबर 8 में अपोजिट लेटर अर्थात विपरीत अक्षर। अब इसके लिए हम आपको लिखाने वाले हैं दोस्तों विपरीत अक्षर ज्ञात करने के लिए अल्फाबेट्स। तो देखिए दोस्तों ऐसे दोस्तों एम आता है 15 नंबर पर, ये आता है 14 नंबर पर, एम आता है दोस्तों 13 नंबर पर, एन आता है 14 नंबर, एम ओ आता है 15 पर, एल आता है 12 पर, सी आता है 3 पर, एक्स आता है 24 पर, के आता है 11 पर, पी आता है 16 पर, एन आता है 14 पर, एम आता है 13 पर, आई आता है दोस्तों 9 पर, आर 18 पर, सी आता है दोस्तों 3 पर, एक्स आता है 24 पर, ई आता है 5 पर, वी आता है 22 पर आता है। इसके लिए दोस्तों हम आपको एक और ट्रिक बताते हैं। देखिए दोस्तों किस प्रकार, हमने आपको पहले ही बताया था, देखिए दोस्तों 22 कुल योग 27, एम बराबर कितने दे रखे हैं 13 दे रखे हैं, 27 में से 13 घटाएंगे तो कितने बचे 14 बचे, 14 पर कौन सा अल्फाबेट आता है 14 पर एन आता है, तो एम का विपरीत एन हो गया। अब किस में ज्ञात करेंगे, ई जोटी के सूत्र में ज्ञात करेंगे, ई 5 पर जे 10 पर, इसके बाद में यहाँ पर आता है जे के बाद में आता है दोस्तों के एल एम एन, तो के एल एम एन यहाँ पर एन हो गया, एन आ गया 14 पर। इस प्रकार ई जोटी के इसमें सूत्र लगता है और कुल योग कितना हो गया था 27 है, 27 में से घटा देंगे और जो बचेगा वो अल्फाबेट आ जाएगा कौन सा होगा। तो देखिए दोस्तों अब इसके लिए हम आपको लिखाने वाले हैं विपरीत के लिए अल्फाबेट। तो सबसे पहले दे रखा है दोस्तों, देखिए यहां पर लिखेंगे अपोजिट लेटर, अपोजिट लेटर अर्थात डायरेक्ट, याद रखेंगे इनको डायरेक्ट क्या करेंगे,
याद रखेंगे, इनको डायरेक्ट याद रखेंगे। तो देखिए दोस्तों डायरेक्ट किस प्रकार से याद रखेंगे। सबसे पहले इधर का दोस्तों एक, ए का विपरीत होता है दोस्तों जेड। ये तो सीधा पता दोस्तों, ए आगे आता है जेड पीछे आता है, ए का विपरीत हो गया जेड। अब इसके लिए एक सूत्र है आजाद, आजाद है, ए का विपरीत जेड हो गया। आगे देखें दोस्तों बी, बी का विपरीत होता है दोस्तों बाई, वाई। अब इसे दोस्तों बाई खेदो या बॉय खेदो, ये इसके ट्रिक है दोस्तों इनके याद रखने के। अब आते हैं दोस्तों सी, सी का विपरीत होता है दोस्तों क्या एक्स। इसके लिए होता है सूत्र कोरेक्स, क्या होता है दोस्तों कोरेक्स। अब कोरेक्स क्या है दोस्तों, कोरेक्स दुनिया में सबसे ज्यादा बिकने वाली खांसी की एक दवा है, पहले सबसे ज्यादा बिकी थी दुनिया में कोरेक्स, इसलिए इसके क्या नाम दे दिया, यहां पर तो बी और वाई हो गया था, इसको कोरेक्स नाम दे दिया, सी और एक्स को, सी और एक्स हो गया। आगे देखिए दोस्तों डी, डी का विपरीत होता है दोस्तों डब्लू। ये तो सबको पता है, तो परंपरा से चले आ रहा है दोस्तों दूध वाला, क्या दूध वाला, दूध वाला खेदो या दूध वाली खेदो, तो डी का डब्लू हो गया। आगे देखिए दोस्तों ई, ई का विपरीत होता है दोस्तों वी, ई का विपरीत वी। इसे दोस्तों आप चाहे इलेवन खेदो, इवनिंग खेदो, इवन इवन से याद रख लो ई और वी, या इलेवन इवनिंग। और दोस्तों लास्ट में है लव, अब एल ओ वी, तो लव से भी आप इसे याद रख सकते हैं। तो ई का विपरीत क्या हो गया दोस्तों, ई हो गया। अब देखिए दोस्तों इसमें सबसे पहले हम बीच में क्रॉस वर्ड पजल करेंगे, इनको दो भागों में बांटेंगे। तो इसे देखिए दो सोल होते हैं, एक होता है दोस्तों एल का विपरीत ओ और ई का विपरीत वी, तो इसे दो सोल हो गया लव से। आगे देखिए दोस्तों एप, ऐप का विपरीत होता है दोस्तों यू, ऐप का विपरीत यू होता है। और इसके लिए ट्रिक है दोस्तों गवर्नमेंट टीचर, तो सबसे पहले तो आप इसे फैन से याद रख लो, एफ यू एन, फैन यानी पंखा मान लो, एफ यू एन है ना, फैन से हो गया। एक ने गवर्नमेंट टीचर से याद रख लो, गवर्नमेंट टीचर जी और जी। आगे आता है दोस्तों, आगे होता है एप के बाद में आता है जी, जी का विपरीत होता है दोस्तों क्या टी। इसको याद रख सकते हैं आप दोस्तों किस प्रकार, या तो आप इसे एक गलती हो गई दोस्तों, और वो गलती हमसे क्या हुई है, ये हुई है दोस्तों कि इसको ये नहीं है गवर्नमेंट टीचर वाला ऐप नहीं है, बल्कि दोस्तों ये है इसके, तो ऐप के तो ये हो सकते हैं, एक तो ये हो सकते हैं दोस्तों कौन सा, एक तो होता है दोस्तों फालतू, फैन खेदो ये फालतू, फालतू खेदो दोस्तों, या फादर खेदो या अंकल खेदो, फादर अंकल ये होते हैं दोस्तों ऐप के। ऐप का विपरीत याद करने के लिए या तो फैन खेदो या फादर फालतू खेदो, जैसे आप फालतू काम करते रहते हो, या फादर या अंकल खेदो, ठीक है दोस्तों फादर अंकल खेदो। आगे देखिए दोस्तों जी का विपरीत टी होता है, तो इसके याद रखने के लिए सबसे पहले नंबर पर आता है जीटी रोड, एक इमारत है दोस्तों जीटी के नाम से भी, ये शायद जयपुर में है दोस्तों ये, एक तो आप इसे जीटी रोड के नाम से याद रख सकते हो, और एक रख सकते हो दोस्तों आप इसे गवर्नमेंट टीचर, एक आप इसे गवर्नमेंट टीचर के नाम से याद रख सकते हो। अब आगे देखिए दोस्तों, आगे आता है जी के बाद में आता है दोस्तों एच, एच का विपरीत होता है दोस्तों क्या एस। अब इसे दोस्तों आप इसे आप हाई स्कूल
या हनी सिंह के नाम से रख सकते हो। सबसे इजी इसका है दोस्तों, एक तो आप इसे हाई स्कूल या हॉर्स के नाम से याद रखना। आगे देखिए दोस्तों, एच के बाद में आता है दोस्तों आई। आई का विपरीत होता है आर, आई का विपरीत आर होता है, तो इसे दोस्तों आप इंडियन रेलवे के नाम से याद रख सकते हो, इंडियन रेलवे या इमरान, इमरान के नाम से भी याद रख सकते हो, आई आर आर और आई। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए, यहाँ का एफ ई हो गया, यहाँ का जी और टी हो गया। उसी प्रकार देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्या, यहाँ पर आई एस हो गया, यहाँ पर आई कार हो गया। आगे देखिए दोस्तों जे, अब जे का विपरीत होता है दोस्तों क्यों। इसको किस प्रकार का याद रखेंगे, इसे याद रखने के लिए ट्रिक है दोस्तों जंगल क्वीन, जी एन जी एल ई, जे एन जी एल ई जंगल क्वीन, क्यू यू डबल एन जंगल क्वीन के नाम से इसे याद रख सकते हो, जे और क्यू। आगे देखे दोस्तों, आगे बाद में आता जे के बाद में आता के, के का विपरीत होता है दोस्तों एल। इसे याद करने का ट्रिक है दोस्तों काला पानी, के एल ए काला पानी। एक याद रख सकते हो दोस्तों आप, एक मूवी आई थी जिसका नाम था पीके, नहीं दोस्तों के का विपरीत एल नहीं है, के का विपरीत पी है, के का विपरीत पी है। तो देखिए दोस्तों, एक होता है काला पानी, एक होता है पीके मूवी, और एक है दोस्तों कपिल। आप इसे किस प्रकार से भी याद रख सकते हो। आगे दोस्तों के बाद में, यहाँ पर देखिए दोस्तों के बाद में एल, एल का विपरीत होता है दोस्तों ओ। अब इसको याद रखने का तरीका दोस्तों, ट्रिक है लव, क्या है दोस्तों इसको याद रखने का ट्रिक है लव। जो हमने पहले पढ़ा था, दो में डिवाइड करेंगे, एल का विपरीत ओ हो गया। अब लास्ट में दोस्तों एम का विपरीत होता है एन, या एन का विपरीत एन, और इसको याद रखने का ट्रिक है दोस्तों, क्या है इसको याद रखने का ट्रिक, इसको याद रखने का ट्रिक है मैन, एम ए एन, मैन यानी आदमी, एम और एन, ये ट्रिक हो गई दोस्तों। पहले नंबर पे ए का जेड, बी का वाई, सी का एक्स, डी का डब्लू, ई का वी, एफ का यू, जी का टी, एच का एस, आई का आर, जे का क्यू, के का पी, एल का ओ, एम का एन, ये क्या हो गए दोस्तों ट्रिक हो गए। ये ट्रिक हो गई दोस्तों विपरीत अक्षर याद करने के लिए। तो आप साथ में नोट बनाते जाना दोस्तों। अब आगे चलते हैं, अब विपरीतार्थक अक्षर में, विपरीतार्थक अक्षर में देखिए दोस्तों, सबसे पहले ए का विपरीत जेड आप याद रख लेंगे, बी का विपरीत वाई आपको याद है, सी का विपरीत एक्स आपको याद हो जाएगा, डी का विपरीत डब्लू आपको याद हो जाएगा, ई का विपरीत ई हो जाएगा, एफ का विपरीत यू आपको याद हो जाएगा। देखिए दोस्तों, इसमें सबसे पहले एक होता है सल्ट, नहीं सबसे, देखिए दोस्तों एक हम शब्द लिखते हैं, जी आई, इससे देखिए दोस्तों हम कितने शब्दों को क्लियर करेंगे। जिस प्रकार बिस्कुट को बोलते हैं पार्ले जी, उसी प्रकार सल्ट को बोलेंगे सल्ट जी, सल्ट जी। तो देखिए दोस्तों, इनको डिवाइड करेंगे, भागो मार दिया,
शर्ट जी, ये इस प्रकार से नहीं, शर्ट जी, जिसके प्रकार पार्ले जी को बोलते हैं, मसूरी जी पे बिस्कुट को बोलते हैं पार्ले जी, उसी प्रकार शर्ट को बोलेंगे शर्ट जी। दो भागों में बांट दिया। तो देखिए दोस्तों ये ट्रिक है इसके लिए शर्ट जी। तो देखिए दोस्तों एच का विपरीत एच, आई का विपरीत आर, टी का विपरीत जी, ये याद रखने की ट्रिक है। उसी प्रकार लव, लव को दो भागों में बांटेंगे तो एल का विपरीत ओ और वी का विपरीत ई, ये ट्रिक है इनको याद रखने के। तो ये भी प्रीतार्थक अक्षर हो गए दोस्तों, इन्हें आप याद कर लेना। अब दोस्तों हम आगे चलते हैं, आगे चलते हैं दोस्तों। टाइप नंबर वन है जिसके पैटर्न, पैटर्न नंबर नौ पर, और पैटर्न नंबर नौ में है दोस्तों नो पैटर्न, अर्थात इसका कोई पैटर्न ही नहीं है शायद, नो पैटर्न, एक नाम है नो पैटर्न। अब नो पैटर्न, अब नो पैटर्न यानी क्वेश्चन इसके किसी प्रकार से हो सकता है। अब तक हमने आठ पैटर्न पढ़े थे, उनसे हट गया कि नो पैटर्न, इसका नाम है नो पैटर्न, कि इसका क्वेश्चन किसी प्रकार से नहीं बनेगा, किसी प्रकार से सोल्व नहीं होगा। तो देखिए दोस्तों किस प्रकार से होगा ये, जैसे हमें इसका क्वेश्चन दे दिया ई एक्स ए एम आई एन ए टी आई ओ एन एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन का दोस्तों कुट होता है पी एक्स टी यू, एच आर टी वाई एच बी आर। तो उसी प्रकार एन ए एम ई का कुट क्या होगा, तो देखे दोस्तों यदि ई एक्स ए एम आई एन ए टी आई ओ एन एग्जामिनेशन का कुट पी एक्स टी यू एच आर टी वाई एच बी आर होता है। तो देखिए दोस्तों पैटर्न नंबर नौ में है नो पैटर्न, यानी इसका कोई पैटर्न नहीं है, ये किसी प्रकार से सोल्व हो सकता है। तो देखिए दोस्तों किस प्रकार से होगा, यदि एग्जामिनेशन का कुट ये है तो नेम का कुट क्या होगा। तो देखिए दोस्तों सबसे पहले नंबर पे तो किस प्रकार से सोल्व होगा, सबसे पहले नंबर पे हम देखते हैं दोस्तों इसमें सेम लेटर के लिए सेम कोड दिया होगा हमको। तो देखिए दोस्तों सब किस प्रकार से होगा, ई दोस्तों ई दे रखा है, ई में फिर ये सोलह पाँच पे है, सोलह पे है दोस्तों, इसमें सोलह में से पाँच घटाएंगे, यहाँ पर ग्यारह, यहाँ पर एक जीरो है, ऐसे ही तो होगा नहीं दोस्तों। तो देखिए दोस्तों किस प्रकार से है, सबसे पहले लेंगे कि सेम लेटर के लिए, कि सेम लेटर के लिए सेम कोड दिया होगा। तो देखिए दोस्तों सबसे पहले तो देखो दोस्तों यहाँ पर ए के लिए, ए के विपरीत टी, ए के लिए टी है, यहाँ पर दोस्तों देखिए ए के लिए टी है, इन पे ये बना लेंगे चिन्ह, ठीक है दोस्तों। उसी प्रकार देखिए दोस्तों यहाँ पर आई के लिए एच है, यहाँ पर भी आई के लिए एच है, नो पैटर्न है दोस्तों, जिसका कोई पैटर्न नहीं है। आगे देखिए दोस्तों आगे है और देखिए दोस्तों यहां पर दे रखा है एन, यहां पर एन का विपरीत आर है, यहां पर भी एन का विपरीत आर है, यहां पर आज तक यहां तक आपकी समझ में आ गई दोस्तों, आपकी आ गई होगी। और देखते हैं दोस्तों और है क्या, ई एक्स एम यू टी वाई नहीं है दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले नंबर पे हुआ था कि सेम लेटर के लिए सेम कोड दिया होगा, जैसे ए के लिए टी है यहाँ पर भी ए के लिए टी, आई के लिए एच है तो आई के लिए एच, और एन के लिए आर है तो यहाँ पर एन के लिए आर। अब देखिए दोस्तों अब जिस प्रकार जैसे कि जैसे विपरीत दे रखे हैं उनको ऐसे कैसे लिख देंगे, ई का विपरीत पी दे रखा है, एक्स का विपरीत एक्स, एम का विपरीत यू, टी का विपरीत वाई, तो इनको हमने ऐसे कैसे लिख दिए। अब देखिए दोस्तों आगे एग्जामिनेशन कर लिए, हमें नेम का कुट याद करना है,
अब एन ए एम ई, तो नेम का कुट क्या होगा दोस्तों, देखिए नेम का कुट होगा दोस्तों कि यहां पर एन दे रखा है। अब पहला तो नंबर हमने आपको बता दिया था सैम लेटर के लिए, सैम कोड दिया होगा। अब दूसरे नंबर पे होते हैं दोस्तों, देखिए कि यहाँ पर एन ए एम ई जो शब्द दे रखा है ना, ये हमको जो पहले नंबर का जो दे रखा था उसमें यूं के यूं मिलेंगे। देखिए दोस्तों एन ए एम और ई, इसमें हमको ये शब्द यूं के यूं मिल रहे हैं। तो इसमें एक बात हमेशा याद रखना कि जिस स्पेलिंग का कोड पूछा है, कि जिस स्पेलिंग का कोड पूछा है उसके लेटर सारे के सारे उसी स्पेलिंग में से ही होंगे जिसका उसने कोड दे रखा है। कि जो मीनिंग हमको दे रखी है, इसके जो भी लेटर है, इसके लेटर जो हमको पहले जो शब्द दे रखे थे उसमें लेटर इसमें यू के यू मिलेंगे। तो एन ए एम ई के शब्द हमको पहले लेटर में यू के यू मिल रहे हैं, एन ए एम ई। तो यहाँ तक आपके समझ में आ गई दोस्तों। अब देखें दोस्तों नेम के हम क्या बनाएंगे, नेम का कुट बनाएंगे। तो देखें दोस्तों यहाँ पर दे रखा है, क्या दे रखा है हमको, सबसे पहले दे रखा है एन। तो देखिए दोस्तों एन ये रहा, एन का विपरीत आता है आर दे रखा है, एन के विपरीत आर लिख देंगे। उसी प्रकार ए, ए का विपरीत क्या दे रखा है, टी लिखेंगे। टी दे रखा है तो ए का विपरीत टी। एम, एम का विपरीत यू, तो एम का विपरीत यू। और ई का विपरीत क्या दे रखा है, ई का विपरीत, ई कहाँ पर है दोस्तों, ई का विपरीत पी, तो यहाँ पर ई का विपरीत पी। और ये हमारा राइट आंसर हो गया। तो इसमें हम नोट डाल के लिख सकते हैं कि सबसे पहले तो सेम लेटर के लिए सेम कोड दिया होगा, एक तो क्या। और दूसरा आप डाल सकते हैं नोट कि इसको दोस्तों आपको लिखना है, आप लिख लेना, मैं बोल रहा हूं कि जिसे स्पेलिंग का उसने कोड पूछा है उसके लेटर्स सारे के सारे उसी स्पेलिंग में से ही होंगे जिसका उसने कोड दे रखा है, जिसका उसने कोड दे रखा है। तो देखिए दोस्तों पहले तो दिया था कि ठीक प्रकार से दोबारा देखना कि सेम लेटर के लिए सेम कोड दूंगा। सबसे पहले तो टाइप नंबर वन के पैटर्न के नवा नंबर है, और नवा नंबर में नो पैटर्न, यानी जिसका कोई पैटर्न नहीं है, जिसका कोई पैटर्न नहीं है, जो किसी भी प्रकार से क्वेश्चन आ सकता है और उसको हमको सोल्व करना पड़ेगा। तो जिसके लिए सबसे पहले देखेंगे सेम लेटर के लिए सेम कोड दिया होगा, यहाँ पर सेम लेटर के लिए हमने सेम कोड देख लिया। उसी प्रकार यदि ये इसके लिए इसका कोड ये इस प्रकार सोल्व है तो नेम का कोड देखेंगे। और नेम के लिए हमने आपको बताया था कि जिस स्पेलिंग के हमको जो शब्द दे रखे हैं और उसके जो जिस मीनिंग के हमको शब्द दे रखे हैं, जो पहले वाले कोड दे रखे हैं उसमें हमको यूं कहीं मिलेंगे। तो एम का विपरीत हमने जो एन का विपरीत आर, ए का विपरीत इस प्रकार दे रखे हमने ये लिख दिए, और ये हमारा राइट आंसर हो गया। तो आपके समझ में आ गए दोस्तों पॉइंट नंबर वन किस प्रकार हुआ, पैटर्न नंबर वन नवा नो पैटर्न, अर्थात इसका कोई पैटर्न ही नहीं है, और इसके क्वेश्चन किस प्रकार से बनते हैं। तो आगे चलते हैं दोस्तों पैटर्न नंबर 10 पर। यहां पर लिख दिया टाइप नंबर वन, और यहां पर लिख दिया पैटर्न, और पैटर्न नंबर 10 पर चलते हैं। तो देखिए दोस्तों पैटर्न नंबर 10, अब पैटर्न नंबर 10 होता है दोस्तों जिसमें लगता है रामबाण विधि, रामबाण विधि लगती है, और जिसका अर्थ होता है क्या, काउंटिंग, इसका अर्थ होता है CONTING, और काउंटिंग, और जिसका अर्थ होता है गिनेंगे, अर्थात पार्ट पैटर्न नंबर 10 का दसवें विधि, जिसमें 10 में होता है कि रामबाण विधि, और जिसका अर्थ होता है काउंटिंग अर्थात गिनना। तो इसमें हम काउंटिंग करते हैं, पैटर्न नंबर 10 के पॉइंट नंबर 10 में लगते हैं रामबाण विधि, और रामबाण विधि जिसका अर्थ होता है कि काउंटिंग अर्थात गिनना, इसमें हम काउंटिंग करते
अल्फाबेट की करेंगे, जिसमें देखिए पॉइंट नंबर जिसमें ए मान लो। अब ए में किस प्रकार से होता है, ए में इसके लिए देखो ए वन इसमें होता है ए वन। अब ए वन अर्थात सम, और दूसरे बी नंबर पे आते हैं दोस्तों किस दूसरे में आते हैं ओड, ओड अर्थात विषम। इसमें दो या चार के युग्म बन सकते हैं, और विषम में होता है दोस्तों नहीं, एक मिनट, यहाँ पर दे रखा है सम। तो देखिए दोस्तों सबसे पहले ए नंबर पे आता है ए वन अर्थात सम, और बी पे ओड अर्थात विषम। अब सम में दोस्तों क्या आता है, सम में युग्म बनते हैं पेयर, इसमें युग्म बनते हैं सम में तो, और इसमें क्या होता है दोस्तों, इसमें देखते हैं मिड लेटर अर्थात बीच का लेटर को देखते हैं। अब युग्म दोस्तों कौन कौन से बन सकते हैं, दो युग्म बन सकते हैं, दो चार युग्म बन सकते हैं। अब किस प्रकार से बनेंगे आपके समझ में आएगी, तो देखिए दोस्तों सबसे पहले चलते क्वेश्चन पर। क्वेश्चन हमें किस प्रकार दे रखा है, क्वेश्चन में दे रखा है हमें दोस्तों यदि सोल्डर SHOLDER सोल्डर का आगे से देख लो दोस्तों, इसे आगे लिख दूंगा मैं, यहां पर लिख देता हूं, चलो इसको बिठा नहीं देता हूं एक मिनट। जैसे दे दिया दोस्तों यहां पर, क्या दे दिया क्वेश्चन, सोल्डर का कोट दे दिया हमें VPI TQ DCK। उसी प्रकार PEA COCKS का कोट क्या होगा, तो देखिए दोस्तों ये किस प्रकार से सोल होगा, आपके किस प्रकार से समझ में आएगी। पैटर्न नंबर 10 के में है रामबाण विधि, जिसका अर्थ होता है काउंटिंग अर्थात गिनना, तो इसमें शब्दों की काउंटिंग होती है। तो देखिए दोस्तों किस प्रकार से होगा, सबसे पहले दे रखा है हमको सोल्डर ऐसे, तो UL है क्या, हाँ दोस्तों इसमें L है, ऐसे तो UL DER सोल्डर का कुट हमें दे रखा है VPIT कंपेरिजन हमेशा नीचे से करेंगे VPIT QDCK ये हमें दे रखा है। तो अब देखिए दोस्तों इसे हम किस प्रकार से करेंगे, पहले तो देखिए दोस्तों इन्हें गिनेंगे कुल कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 कुल कितने हैं दोस्तों, ये 8 है, 8 क्या एक सम संख्या है। अब सम संख्या में हम क्या करते हैं, हम दोस्तों क्या बनाते हैं, युग्म बनाते हैं, A1 अर्थात सम, और सम में हम क्या बनाते हैं दोस्तों, युग्म बनाते हैं, पेयर बनाते हैं। अब युग्म हम किस प्रकार बना सकते हैं कि युग्म हम दो के बना सकते हैं, दो शब्दों के, चार शब्दों के बना सकते हैं। तो देखिए दोस्तों इसमें 8 है, तो इसमें हम चार शब्दों के लेंगे, एक युग्म ये हो गया, एक युग्म ये हो गया, इसी प्रकार एक युग्म ये रहा, एक युग्म ये रहा। अब देखिए दोस्तों अब इसको हम करेंगे दो भागों में डिवाइड कर दिया हमने इसे, तो दो भागों में डिवाइड कर दिया, तो देखिए दोस्तों ये किस प्रकार से होगा, यहाँ पर देखिए दोस्तों ई, यहाँ पर दे रखा है यू, यू में प्लस के एक जोड़ेंगे वी हो गया, उसी प्रकार एस, एस में प्लस के एक जोड़ेंगे टी हो गया, ओ में प्लस के एक जोड़ेंगे उसके बाद में पी आएगा, इसमें एच के बाद में प्लस के एक जोड़ेंगे तो आई आएगा, इसमें तो प्लस के एक जुड़ रहा है। उसी प्रकार देखिए दोस्तों यहाँ पर आर, यहाँ पर माइनस के एक कम करेंगे सब में से, आर में से माइनस के एक कम करेंगे क्यों आएंगे, एल में से एक माइनस कम करेंगे के, ई में से एक कम करेंगे डी, और डी में से एक कम करेंगे सी। तो ये इस प्रकार से सोल्व हुआ, तो दोस्तों देखते हैं पिको किस प्रकार से सोल्व होगा। देखिए दोस्तों पिकॉक दे रखा है 1 2 3 4 5 6 7 आठ वर्ड में क्या करेंगे हम दोस्तों, इनके युग्म बनाएंगे चार इसके। तो देखिए दोस्तों इसको दो भागों में डिवाइड करेंगे। अब देखिए दोस्तों सबसे पहले प्लस के एक जोड़ेंगे यहाँ पर, तो सी में प्लस के एक जोड़ा तो डी, पी में प्लस के एक जोड़ा तो पी के बाद में आता है दोस्तों क्यू, ए में प्लस के एक जोड़ा तो बी, ई में प्लस के एक जोड़ा तो क्या हो गया दोस्तों एफ। इसी प्रकार यहाँ पर माइनस के कम करेंगे
एस एस में से कम किया तो आर, ओ में से एक कम किया तो एन, के में से एक कम किया तो जे, सी में से एक कम किया तो बी। ये हो गया हमारा राइट आंसर। ये कंपैरिजन इस प्रकार से होते हैं, ये इस प्रकार से सोल्व होते हैं। अब देखिए दोस्तों अगले क्वेश्चन देते हैं, ये क्वेश्चन हम आपको देते हैं, साथ में साथ नोट करते जाना दोस्तों आपने। अब देखिए दोस्तों जैसे हमने एक और क्वेश्चन ले लिया, अब एक क्वेश्चन हमें ये दे रखा है कि सी ए नहीं सी आर आई, सी आर आई सी के ई टी क्रिकेट, क्रिकेट का कुट होता है दोस्तों जे एच डी ई एस डी जे। तो उसी प्रकार मैथ्स एम ई टी सी एच ई एस, मैथ्स का कुट क्या होगा? देखिए दोस्तों हमें क्या दे रखा है, सी आर आई सी के ई टी, क्रिकेट का कुट क्या दे रखा है हमें, जे एच डी ई एस डी जे। देखिए दोस्तों पहले तो इनको गिनेंगे कुल कितने हैं, काउंटिंग करेंगे। पैटर्न नंबर 10 है जिसमें लगती है रामबाण विधि, रामबाण विधि का अर्थ होता है, इसमें होता है रामबाण विधि का अर्थात काउंटिंग, अर्थात काउंटिंग करना अर्थात गिनना। तो सबसे पहले काउंटिंग करेंगे, एक दो तीन चार पाँच छः सात, सात है दोस्तों, सात में क्या लगेंगे, सात एक विषम संख्या है। तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हम मिड लेटर अर्थात बीच के लेटर को देखेंगे। तो बीच के लेटर देखिए दोस्तों, यहाँ पर तीन हो गए, यहाँ पर तीन हो गए, अब बीच का लेटर दे रखा है सी। सी में क्या किया दोस्तों, प्लस के दो जोड़े हैं, सी में प्लस के दो जोड़े, ये हो गया। अब देखिए दोस्तों आगे, यहाँ पर देखिए दोस्तों आई, आई में प्लस के एक जोड़ेंगे, ये हो गया। सी में प्लस के एक जोड़ा डी, आर में प्लस के एक जोड़ा एस, यहाँ पर प्लस के एक जोड़ रहे हैं। अब यहाँ पर शायद माइनस के एक होंगे, तो टी में प्लस के, टी में से एक कम किया एस आया, के में से एक कम किया जे, और ई में से एक कम किया तो डी आया। तो इस प्रकार से दोस्तों यदि क्रिकेट इस प्रकार से सोलो है तो इसको आगे करेंगे। आगे दे रखा हमें एम ए टी सी एच ई एस, एक दो तीन चार पाँच छः सात, ये सात है दोस्तों। आगे क्या करेंगे, इनके तीन युग्म बनाएंगे, ये युग्म बन गए है ना दोस्तों, इनको तीन तीन भागों में बांट दिया। अब देखिए दोस्तों सी दे रखा है, मिड लेटर को देखेंगे, सी यहाँ पर दो जोड़े थे, यहाँ पर भी दो जोड़ेंगे, सी में दो जोड़ेंगे तो ये आएगा। यहाँ पर प्लस के एक जोड़ेंगे, टी के बाद में यू, एम के बाद में एन, ए के बाद में बी, उसी प्रकार एस के बाद में, एस में से एक कम करेंगे आर, एच में से एक कम करेंगे तो जी, और ई में से एक कम करेंगे तो डी। और ये हमारा राइट आंसर हो गया, ये हमारा राइट आंसर हो गया। तो आपकी समझ में आ गई दोस्तों कोड डिकोड किस प्रकार से हुए हैं। पैटर्न नंबर टाइप नंबर वन यहां पर दे दिया, यहां पर टाइप दे दिया टाइप नंबर वन, यहां पर पैटर्न दे दिया। पैटर्न नंबर 10 है जिसमें रामबाण विधि है और जिसका अर्थ होता है काउंटिंग करना अर्थात गिनना। पहले नंबर ए पे आता है सम, बी पे आता है विषम, विषम संख्या दी हो तो इसमें मिड लेटर देखेंगे, सम संख्या दी हो तो इनमें युग्म बनाएंगे, युग्म दो या चार के बन सकते हैं। तो आपकी समझ में आ गए दोस्तों कोड डिकोड किस प्रकार से हुए हैं, कोडिंग डिकोडिंग अर्थात कुट लेखन। अब इसमें हमने क्या क्या पढ़े थे दोस्तों, सबसे पहले नंबर पे पढ़ा था हमने कि पॉइंट नंबर वन, पॉइंट नंबर दो, पॉइंट नंबर तीन, पॉइंट नंबर चार, टाइप नंबर वन जिसके पैटर्न दे रखे हैं, और पैटर्न नंबर चार तक हमने पढ़े थे कि इनमें प्लस के एक भी जुड़ सकते हैं, प्लस के दो भी जुड़ सकते हैं, प्लस तीन भी जुड़ सकते हैं, माइनस के एक, प्लस माइनस के दो, माइनस तीन, ऐसे जुड़ सकते हैं। तो ये तो दोस्तों चार पॉइंट तक हो गए थे। आगे पैटर्न नंबर पाँच है, पैटर्न नंबर पाँच में हमने दिए थे रिवर्स ऑर्डर, और रिवर्स अर्थात पीछे की तरफ से भी इनको सोल्व किया जा सकता है, जो हमने आपको कराए थे। पाँच के बाद में आता है दोस्तों छठा पॉइंट, छठा पॉइंट में रीअरेंजमेंट अर्थात पुनर्व्यवस्थित करना, शब्दों को फिर से जमाना कि हमको वो के शब्द दे रखे हैं जो क्वेश्चन में से देख करके,
हमको जिस प्रकार क्वेश्चन, हमें जो कि जो शब्द देंगे उसी प्रकार हमको उसका कोड देगा, अब उनको हमको पुनर्व्यवस्थित करना है। ये हो गया हमारा छठा पॉइंट। सातवां पॉइंट दिया था एक अक्षर के दो अक्षर, अर्थात दो अक्षर देगा तो उसके चार होंगे, चार देगा तो उसके आठ होंगे इस प्रकार। और लास्ट एक देखा था दोस्तों हमने अपोजिट, अपोजिट अर्थात विपरीत अक्षर। अब विपरीत अक्षर में क्या किया था दोस्तों, विपरीत अक्षर अर्थात जिसमें आपको सूत्र लिखाए थे, ए का विपरीत जेड होता है इस प्रकार से, एक दे देगा हमको शब्द दे देगा उसके विपरीत अंक क्या क्या होता है ये हमें पता लगाना। अब आता है पैटर्न नंबर नौ पर। पैटर्न नंबर नौ में एग्जामिनेशन, जैसे पैटर्न नंबर नौ में है नो पैटर्न, अर्थात इसका कोई पैटर्न ही नहीं है। अब इसके क्वेश्चन किसी प्रकार सोल्व हो सकते हैं, जिसमें जैसे एग्जामिनेशन शब्द दिया था और इसका कोड दे दिया था, तो इसमें हमने आपको दो पॉइंट लिखाए थे कि सेम लेटर के लिए सेम कोड दिया होगा। और पॉइंट नंबर दो में दूसरा नोट लिखाया था कि जिस स्पेलिंग का उसने कोड पहुंचा है उसके लेटर सारे के सारे उसी स्पेलिंग से ही होंगे जिसका कोड दे रखा होगा, अर्थात एक मीनिंग दे रखी होगी। अब उस मीनिंग के जितने भी शब्द हैं जो हमको जो कोड दे रखा है उसमें यूँ के यूँ मिलेंगे। अब पैटर्न नंबर दस है और दस में दे रखा है रामबाण विधि, जिसमें काउंटिंग अर्थात गिनेंगे, विषम संख्या है इसमें जो देखेंगे दो दो चार के बनेंगे दो या चार के, और विषम है तो इसमें मिड लेटर देखेंगे। तो यहाँ तक आपकी समझ में आ गए दोस्तों कोड डिकोड। अब देखते हैं दोस्तों अगली क्लास में यदि कोड डिकोड और होंगे तो हम आपको करवाएंगे। तो अब चलते हैं दोस्तों, हम मिलेंगे आपको अगली क्लास में, और कल हम आपको क्वेश्चन लिखाएंगे किससे संबंधित, कोड डिकोड से संबंधित। देखते हैं क्वेश्चन क्वेश्चन मिलते हैं, तो कल मिलेंगे अगली क्लास में दोस्तों। देखते क्या दोस्तों, आप चैनल को एक बार चैनल सब्सक्राइब मार दो, इसको लाइक कमेंट एंड शेयर कर दो। तो चलते हैं दोस्तों, ओके दोस्तों कल मिलेंगे अगली क्लास में। आगे देखिए दोस्तों, दोस्तों हमसे एक चीज छूट गई थी और वो छूटी थी पैटर्न नंबर आठ में। अब पैटर्न नंबर आठ में हमने आपको कराया था दोस्तों अपोजिट लेटर, अपोजिट लेटर विपरीत अक्षर। विपरीत अक्षर इसमें दोस्तों एक सूत्र लगता है और वो सूत्र लगता है दोस्तों L प्लस आर बराबर 27, ये सूत्र लगता है। जैसे दोस्तों हमें एक सूत्र दे दिया, एक क्वेश्चन में हमें दे दिया जैसे बेबी, बी ए बी वाई। अब इसके हमको क्या करना है, विपरीत अक्षर याद करने हैं। तो देखिए दोस्तों सबसे पहले नंबर पे आता है बी, बी कितने नंबर पे आता है दोस्तों, दो नंबर पर। तो देखिए दोस्तों बी हमें किस तरफ है, लेफ्ट की तरफ से है, तो बी लेफ्ट है ना। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर दे रखा है एल, एल लेफ्ट होता है, तो बी दो पर है तो प्लस आर बराबर 27। तो देखिए दोस्तों आर बराबर 27 माइनस दो, तो आर बराबर 27 में से दो घटाएंगे तो 25 आ गया। तो राइट की तरफ से देखेंगे 25 अक्षर कौन सा आता है दोस्तों, वाई आता है, वाई आ गया। तो बी का विपरीत क्या हो गया दोस्तों, वाई हो गया। इस प्रकार से सोल्व होता है, जैसे ए, अब ए दे दिया, ए राइट तरफ से है, ए एक पर आता है प्लस आर याद करेंगे उसी प्रकार 27, आर 27 में से घटाएंगे आर बराबर 26, और 26 वर्ड देखेंगे 26 आता है एक्स जेड। इस प्रकार से होता है दोस्तों। एक ट्रिक तो ये लगता है कि इसमें है दोस्त अपोजिट लेटर में, ये है अपोजिट लेटर में है ये सूत्र, अपोजिट लेटर अर्थात विपरीत अक्षर में ये सूत्र है एल प्लस आर बराबर 27, विपरीत अक्षर याद करने के लिए। लेकिन आप इससे इस ट्रिक से अच्छा आप, हमने आपको जो ट्रिक बताया था उससे आपको ज्ञात करना है जो हमने आपको बता दिया था। दोनों ट्रिक है इसके, आप इससे भी याद कर सकते हो और इसके जो हमने आपको ट्रिक बता रखा है उससे भी आप ज्ञात कर सकते हो कि इसके क्वेश्चन इस प्रकार से बनते हैं। तो ओके दोस्तों, ये चीज़ हमसे छूट गई थी, हमने आपको समझा दी। तो ओके दोस्तों।